Hello students of fourth class. As I sent the videos of yesterday, means of transport, land transport and road transport में हमने जो किया था roadways का और railway का. आज हम उसी chapter को continue करेंगे. Air transport और water transport आज करेंगे. आपको बताया है कि major air transport जो है major transports के land, water, एयरवेज ये है. लैंड की ऑलरेडी हम दोनों पार्ट कर चुके हैं, अब एयरपोर्ट. एयरवेज का जो है आपने देखा होगा कि एरोप्लेन चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, ये जहाँ वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पे जो है डेजर्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है या फिर हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट है, जंगल है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर सड़कें बिछाना और जो है रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल होता है. एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये सबसे तेज चलने वाला, बहुत जल्दी जो है पहुंचाने वाला एयरवेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये सबसे ज़्यादा एडवांस और विकसित जो है मतलब साधन है यातायात का. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन रीच द प्लेसेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच बाय रोड्स एंड रेल्स. इस साधन के द्वारा बाय एयरवेज जो है हम उन स्थान पर भी पहुंच सकते हैं आसानी से जहां पे रोड और रेल के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे जंगल है, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल इलाके हैं, टीले हैं, माउंटेन है, पर्वत एरिया है, वहां पे जो है एरोप्लेन के द्वारा बाय एयर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है. और ट्रैवल बाय एयर इज़ कम्फर्टेबल. एयर के द्वारा जो है बाय एयरप्लेन हेलीकॉप्टर के द्वारा ट्रैवल करना बहुत कम्फर्टेबल आरामदायक रहता है. बट इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है. टूडे द एरोप्लेन्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. आज के जो एरोप्लेन्स हैं वो डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल है. स्मॉल प्लेन्स कैरी लेस पैसेंजर्स, जो छोटे प्लेन्स होते हैं वो कम यात्रियों को लेके जाते हैं. द हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड इन स्मॉल एरियाज. हेलीकॉप्टर आपने देखे होंगे, उसके लिए स्पेशल कोई अलग से जो है हवाई पट्टी बनी हो ऐसा नहीं, वो स्मॉल लैंड पे भी जो है लैंड कर सकते हैं. एंड आर यूजफुल इन द माउंटेन्स एंड द टेरन, यानी कि माउंटेन्स और ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर बहुत यूजफुल रहता है. एयरवेज आर यूजफुल ड्यूरिंग द डिजास्टर फॉर प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन. एयरवेज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब कभी फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, उस टाइम लोगों को हेल्प पहुँचाने के लिए या लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए जो है ये एयरवेज काफ़ी हेल्पफुल रहता है. जितनी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की वो कनेक्टेड है किसके द्वारा, एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा. प्लेन्स आर पार्क इन द हैंगर एट द एयरपोर्ट. प्लेन जो एरोप्लेन कहाँ पर आके रुकते हैं, एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट पर आकर रुकते हैं. आपने जो है हर बड़ी बड़ी सिटी में, चाहे दिल्ली है, अमृतसर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, इन सब जगह पे क्या है, एयरपोर्ट बने हुए हैं. द एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर फ्लाइट टेक ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. जहाँ पे जिस एयरपोर्ट से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को अलग अलग कंट्रीज में एरोप्लेन जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है. इंडिया के जो इम्पोर्टेंट एरोप्लेन्स कौन कौन से हैं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, मुंबई में. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, दिल्ली में. सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये कलकत्ता. एंड मिनम्बक्कम ये कहाँ पे है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है. ये हमारा एयरवेज है. अब क्या है, वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट. द प्रोग्रेस ऑफ वन कंट्री लार्जली डिपेंड ऑन अ गुड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. यानी कि जो है जो एक किसी कंट्री की जो है डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि एक बहुत अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट का जाल बना हो. क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादा जो है व्यापार जो है 95% तक व्यापार जो है वो किससे होता है, वाटर वेज के द्वारा होता है. और इंडिया में तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो क्या प्रोवाइड करवाती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं. और बहुत बड़े बड़े पिग जो है पोर्ट्स बने हुए हैं, वो ये पोर्ट्स कहाँ पे हैं आपको पता है, कोस्टल एरिया में. कोस्टल एरिया के जो समुंदर तट के किनारे हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पोर्ट बने हुए हैं जहाँ पे आके समुद्री जहाज आके रुकते हैं
और चलते हैं। जैसे आपको पता है कोस्टल एरिया गुजरात में जो है, कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे कौन से समुंदर और सागर के साथ लगते हैं। यहाँ पे कोस्टल एयरलाइन जो काफ़ी लंबी है और यहाँ पे वेल टू वेल बहुत अच्छे पोर्ट बने हुए हैं, जहाँ से जो है सामान को जो है लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। द वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ कनेक्टेड ऑल द कॉन्टिनेंट। वाटर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड, जैसे 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सबको एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। हालांकि वाटर ट्रांसपोर्ट ये अपने आप में स्लो है, धीरे चलता है, लेकिन ये काफ़ी चीप पड़ता है और हैवी गुड्स जो होती है, भारी गुड्स को एक प्लेस पे दूसरे प्लेस तक जो है वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से लेके जाता है। मेन सी पोर्ट इंडिया में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के कांडला में और केरल के कोच्चि में, तमिलनाडु के चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता और कर्नाटक में कहाँ पे है, मैंगलोर। ये जो है बिग पोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। अ डेवलप्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रेटली हेल्प द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज अब जो है एक बहुत अच्छा जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या करता है, एक कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सस्ता रहता है और जो वस्तुओं को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि 95% जो है वर्ल्ड का ट्रेड किसके द्वारा होता है, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वाटरवेज के द्वारा होता है। एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मेड अब इन सब के द्वारा, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है और वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और एडवांस कर दिया है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे आगे, जो है जो मेन आइटम जो है, मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर जो क्विकलिस्ट में आपने की दी हुई हैं वो करते हैं। सबसे पहले कच्चा रोड जो किससे बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, कीचड़ गारे कीचड़ से बनी होती हैं वो। पक्का रोड जो कोयले से और कंक्रीट से, सीमेंट वगैरह से बनी होती है, वो क्या होती है, पक्का रोड। पोर्ट, पोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे शिप आकर जो है वो जो समुद्री जहाज होते हैं उनसे सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। मेटल रोड, स्टोन शिपिंग मिक्स्ड विद तार, यानी कि जो है स्टोन चिपिंग जो तो रोड होती हैं वो, तार कोल बिला होता है, वो क्या होती हैं हमारी मिक्स वो मेटल रोड होती हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी, आपने अच्छे से सुनना है और चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।